दिस इज दिनानी, यू टू मैग्नेट और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अल्यूड एंड इल्यूड मतलब इतना ज्यादा क्लोज कॉम्पिटिशन है ना इन दोनों वर्ड्स के बीच में कंफ्यूजन तो जाहिर है ठीक है तो आपकी कोई गलती नहीं है बट डोंट वरी अब इस वीडियो के बाद भी अगर कंफ्यूज रहोगे तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ठीक है सो वॉट यू हैव टू डू इज आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कब हम वर्ड यूज करते हैं allude, और कब हम यूज करते हैं इल्यूड बिकॉज ये इतने कॉमन वर्ड्स नहीं है तो बहुत कम लोग होते हैं सबसे पहली बात तो जिनको मीनिंग पता हो इस वर्ड का अगर पता है वेरी गुड गुड जॉब बट क्या आपको डिफरेंस पता है अगर वो भी पता है तो वाह बहुत बढ़िया बेहतरीन बट नहीं पता तो कोई बात नहीं इसके बाद इस वीडियो के एंड तक आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा दैट इज माई प्रॉमिस टू यू सो लेट्स जस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट एक्जैक्टली अल्यूड मीन्स व्हाट एक्जैक्टली इल्यूड मीन्स वट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स दैट वी नीड टू डिस्कस ताकि ये पूरा जो मीनिंग है वो क्रिस्टल क्लियर हो एंड देन ऑब्वियसली वी विल सॉल्व टू काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस वन वुड बी द अदर वन वुड बी दी चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर ओके तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ड अल्यूड की अल्यूड मीन्स टू मेक एन इन द रेफरेंस सो अभी अगर आपने अल्यूजन और इल्यूजन वाला वीडियो मेरा देखा है तो, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहां से ना आपको इस वर्ड को समझने में थोड़ी आसानी होगी बट अगर आपने अल्यूजन और इल्यूजन वाला डिफरेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर थोड़ा आपको समझने की जरूरत है सो लेट्स जस्ट सी दैट देखो मैंने जब अल्यूजन वर्ड पढ़ाया था ना तब भी मैंने ये बोला था कि अल्यूजन का मतलब होता है कि आप किसी और इशारा या संकेत कर रहे हो लाइक like आप इनडायरेक्टली कुछ बताना चाहते हो दैट इज वॉट इज अल्यूजन और उसी के लिए जो वर्ड डिफरेंस तो नहीं है आप अपनी बातों में या आप जो कुछ भी लाइक like, सपोज अगर किसी ने बुक लिखी है तो वो अपनी बुक में किसी और पर्सन का जिक्र कर रहे हैं नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली या कभी कभी आप अगर ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट्स देखते हो इसका एग्जाम्पल मैंने अल्यूजन वाले में भी दिया था तो वो लोग क्या करते हैं ना मजाक मजाक में किसी और किसी पर्सन के लिए या किसी भी ऐसे सिचुएशन जो कुछ हुई हो उसकी बात कर देते हैं ऐसे हंसी मजाक में इनडायरेक्टली समझ आप जाते हो बट डेफिनेटली आप बोल नहीं सकते बिकॉज उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया होता राइट तो वही चीज़ है जो एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है आपकी बातों में स्पीच में योर बुक योर राइटिंग योर लेटर योर सिंगिंग कुछ भी हो वो एवरी इज़ नोन एज

तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं ठीक है एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग और दी अदर एंड देन किसी ने कुछ तो बोला एंड यू फेल्ट कि हाँ ये ना इसी बारे में बातचीत हो रही थी या इस पर्सन के लिए बोला गया है ये एंड द पर्सन वॉज लाइक सी आई डिडेंट अल्यूट टू एनी यानी मैंने इनडायरेक्टली किसी का भी रेफरेंस नहीं दिया है इट्स जस्ट अ बेसिक थिंग दर एम टॉकिंग अबाउट क्लियर सो यहाँ पर जब हम बात करें कि आई डिडेंट अल्यूट टू एनी इसका मतलब मैंने कोई भी इनडायरेक्ट रेफरेंस या इनडायरेक्ट बात नहीं की है किसी पर्सन के लिए सो यू विल गो फॉर द वर्ड अल्यूट सेकेंड इज शी अल्यूड टू द इशू इन हर स्पीच भाई उसने जो भी स्पीच दी उसने उस स्पीच में इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया है उस पूरी सिचुएशन का या इशू का जो कुछ भी हुआ था ठीक है सो वॉट एवर हैपेंड उसका डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है डायरेक्टली शी डिड नॉट टेल कि हाँ दिस 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 हैपन्ड बट इनडायरेक्टली देर इज अ रेफरेंस इन हर स्पीच तो आप वर्ड यूज करेंगे क्या अल्यूड ठीक है थर्ड इज हिज फेलियर हैज़ मेड हिम अनहैपी ना जिनको पता है कि आप किस चीज से चिड़ जाओगे या आपको किस चीज़ बड़ा दुख होता है, like कुछ हुआ है ऐसा ठीक है और वो ना जान बुझ के इनडली उसी के बारे में बात करना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट यू टू टीज है ना दे वॉन्ट लाइक यू शुड गेट टीज्ड ओके सो वही चीज है कि वेन यू आर इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि द अदर पर्सन विल नॉट फील गुड अबाउट आपने डायरेक्टली तो नहीं बोला बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यू टाइप ऑफ वेरी फ्रेश इन देयर माइंड तो उस चीज को भी क्या बोलते हो अल्यूट तो so, क्या लिखा है यहाँ पे सब उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई उसकी जो हार थी जो फेलियर था इस चीज से रिलेटेड उससे वो वैसे ही बहुत ज्यादा दुखी है तो so, प्लीज जब उससे बात करो तो इस बारे में इंडायरेक्टली भी कोई रेफरेंस मत देना बिकॉज वो यू नो ऑब्वियसली दुखी हो जाता है सो so, यहां पर क्या है मस्ट नॉट अल्यूड टू इट यानी डू नॉट गिव एनी इनडायरेक्ट रेफरेंस रिलेटेड टू दिस फेलियर दैट द पर्सन फेस्ड क्लियर लास्ट वन इज द मीडिया डिडेंट मैंशन एनी नेम्स बट दे वर अल्यूडिंग टू द मिनिस्टर कई बार होता है ना मतलब जर्नलिस्ट और जो मीडिया पीपल होते हैं ना दे आर वेरी स्मार्ट इनफ टू डू दिस और जब भी उनको ऐसे इनडायरेक्टली रेफरेंस देना होता है एक्ट्रेस और एनी यू नो मिनिस्टर या पोलिटिशियन या स्टफ लाइक दैट तो वो बहुत इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं सबको पता होता है कि बात किसकी हो रही है बट ऑब्वियसली बिकॉज द नेम इज नॉट मेंशन यू कांट काइंड ऑफ यू नो अटैक थे क्या बोल दिया सो दिस इज़ हाउ यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जो मीडिया है उन्होंने कोई भी आ, ऐसा डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया दे डिड नॉट मैंशन द नेम्स बट येस वो उस मिनिस्टर की ही बात कर रहे थे इनडायरेक्टली सो दे व अलूडिंग टू द मिनिस्टर और किस में अपनी स्पीच में ठीक है सो दिस इज़ हाउ दिस वर्ड अलीवुड इज़ यूज तो बस इतना याद रखो कि अलीवुड का मतलब होता है इन डायरेक्ट रेफरेंस या इन डायरेक्ट यू you नो know, एक इशारा देना या इंडिकेशन देना ठीक है सो समथिंग दैट यू हैव नॉट टोल्ड डायरेक्टली बट आप इनडायरेक्टली उसी की बात कर रहे हो यू गो फॉर द वर्ड अल्यूट चलिए आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया समझ तो आपको ना रहे कि मैं अल्यूड वर्ड यूज कर सकता हूँ तो जब भी, भी संकेत या इशारा देने की बात हो रही है स्पीच में, uh, में या किसी में भी देन डेफिनेटली आप वर्ड यूज कर सकते हो अल्यूड कब करना है अल्यूजन वर्ड यूज तो वो भी आप देख सकते हो द वीडियो यू गेट लाइक विद द टाइटल वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्यूजन एंड अल्यूजन जो ऑलरेडी रिलीज हो गया आउट क्लियर ओके चलिए अब बात करते हैं वर्ड इल्यूड की. इल्यूड speed, तो आप ना क्या करो आप इस तरीके से याद रखो कि इल्यूड वर्ड है ठीक है तो आपको ऐसे याद रखना है ई फॉर इल्यूड इस्केप ठीक है बच निकलना So, यहां एल्यूड का हिंदी में मतलब क्या है बच निकलना यानी जैसे कभी कोई चोर है या कोई क्रिमिनल है या कोई पर्सन है जिसने गलती की और वो जो भी उसको कैच करने वाला है कैच इन द सेंस कि पकड़ने वाला है कि भाई इसी ने गलती की है एंड स्टफ लाइक दैट अगर आप उससे बच निकलते हो वो किसी भी कारण से आप बहुत तेज भागे सामने वाला को पकड़ नहीं पाया नंबर टू या फिर आप यू you नो know, क्यों भागे भागने का रीजन होना चाहिए बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग नंबर टू यहाँ तो आपने अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया यू वेरी क्लेवर इनफ देन यू फ्लेड अवे यानी आप भाग गए थर्ड चीज बात हो रही है अबाउट ट्रिकरी यानी आपने कोई ट्रिक फॉलो की या यू वर लाइक ही कुछ यू नो ऐसे चालाकी करते हैं सो so, कोई भी रीजन हो रीजन डज नॉट मैटर्स द थिंग इज यस ये यू नो क्या बोलना चाहिए द बेस ऑफ द लाइक द सोर्स जिसकी वजह से यू डिड दैट वो क्या है बिकॉज यू डिड समथिंग रॉन्ग तो उसकी वजह से वेन यू वर एबल टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन फ्रॉम द ऑफिसर्स फ्रॉम द कॉप्स या फ्रॉम द पुलिस देन डेफिनेटली वर्ड यूज कर सकते हो इल्यूड जिसका मतलब होता है बच निकलना चकमा दे देना भाग जाना ठीक है सो so, ऐसे याद रखो ई फॉर इल्यूड डी फॉर एसके क्लियर ओके चलिए पहला एग्जाम्पल द क्रिमिनल वॉज एबल टू इल्यूड द पुलिस यानी जो क्रिमिनल है वो पुलिस से बच निकली या फिर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गए ठीक है एक ही क्रिमिनल है तो हो गया ठीक है सो so, जो क्रिमिनल है वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया चकमा कब बोलते हैं हम हिंदी में वर्ड जब कोई पर्सन आसानी से बच जाता है भाग जाता है वो यू you नो know, पकड़ में नहीं आता ऑल दोस्त ने बहुत ज्यादा कमिट किया हो क्राइम क्राइम बट फिर भी वो बच जाए सो so, यहाँ पे क्या वर्ड है द क्रिमिनल वॉज एबल टू इल्यूड द पुलिस यानी कि वो बच निकला पुलिस से नेक्स्ट इज दे इल्यूडेड द ऑफिसर्स बाय फ्लिंग तो उन्होंने क्या किया द ऑफिसर्स तो को वो चकमा देने में कामयाब रहे और वो भाग गए थे कैसे बाय फ्लिंग यानी वो गायब हो गए ठीक है फ्लैट हो जाना यानी गायब हो जाना कहीं से नॉट लाइक इनविजिबल हो जाना बट आप वहां से भाग जाते हो गायब हो जाते हो फिर आप मिलते नहीं हो वहां पे। So, ये जो भी थे लोग मतलब मे the और मर्डरर्स uh, कुछ भी है ना ठीक है सो so, ये जो लोग थे वो ऑफिसर्स को चकमा देकर भाग गए थर्ड इज द मर्डर वॉज हैज इल्यूडेड द कैप्चर जो मर्डरर था जिसने मर्डर किया था वो

इल्यूट क्लियर ओके चलिए नेक्स्ट जो इल्यूड का मीनिंग है वो है इल्यूड मीनस टू बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिमेंबर यह समझने के लिए आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूं मैं जब हम बात करते हैं ना कि आ, मतलब मुझे शक्ल तो याद आ रही है पर्सन की बट पर मेरे को पता नहीं कि नाम याद नहीं आ रहा है है ना मतलब नाम याद रखने में कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कोई बात नहीं इट्स नॉर्मल सो अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि हाँ हाँ नो अबाउट होम यूर टॉक मुझे पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो बट मुझे ना नाम याद नहीं आ रहा सो so, वहां पर भी, भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं इल्यूड जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपके लिए डिफिकल्ट है या आपके लिए पॉसिबल नहीं है याद रखना ठीक है सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर और इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर फॉर यू देन यू गो फॉर द वर्ड इल्यूड फॉर एग्जाम्पल आई नो अबाउट होम यू आर टॉकिंग बट हिज नेम इूड्स मी मुझे पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो या तुम किसका जिक्र कर रहे हो या अबाउट होम यू आर डिस्कसिंग बट उसका जो नाम है ना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिमेंबर फॉर मी मतलब उसका नाम मुझे याद नहीं हो पाता है या फिर मुझे नाम याद नहीं है बिकॉज इट्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर मी बट मुझे पता है तुम किसके बारे में बात हो नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ दिस इल्यूडेड एवरी यानी ये जो थ्योरी थी लाइक सपोज जब कोई जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हो या आप कुछ भी पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक थ्योरी होती है ना कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट किया होगा फिर कौन से फॉर्मुले लग रहे हैं स्टफ लाइक दैट तो कई बार ऐसा होता है जब हम प्रैक्टिकल्स वगैरह कर रहे होते हैं तो हमको वो ज्यादा अच्छे से समझ आता है एज कम्पेयर टू तो थ्योरी पार्ट हमें नहीं पता होता कि क्या लिखा है थ्योरी में बट बिकॉज हम प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं हमने सब कुछ देखा होता है कैसे करना है लाइक सपोज अगर हम केमिस्ट्री की बात करें कि किस तरीके से कौन सा वाला कितना केमिकल ऐड करना है कब हमको यू नो उसको बर्न करना है हीट करना

सपोज अगर आपने वर्ड लिया कोई भी यू you नो know, कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई वर्ड समझ नहीं आता फिर जब हम उसका मीनिंग देखते तो उसका मीनिंग भी समझ नहीं आता है ना कई बार ऐसा होता है सो so, जब भी, भी कोई वर्ड पढ़ रहे हो उसका मीनिंग पढ़ रहे हो और वो मीनिंग आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर एंड डेफिनेटली यू कैन से द मीनिंग ऑफ द वर्ड इल्यूडेड मी आल्यूड मी आल्यूडेड है नेक्स्ट इज दॉल्यूशन इल्यूडेड मी द क्वेश्चन वॉज इजी फॉर मी लाइक आई है कि हाँ क्वेश्चन आसानी से हो सकता है बट जो सोल्यूशन दिया हुआ ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है ये आई कॉन्ट रिमेंबर इट सो दोल्यूशन इल्यूडेड मी सो ये वर्ड जो है ना इल्यूव इट समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी बोल सकते हो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट कभी ना कभी बिकॉज ये ज्यादा यूज भी नहीं होता ना तुम्हारी आदत भी नहीं है बट डोंट वरी धीरे धीरे जितने सेंटेंसेस पढ़ोगे यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड किस चीज़ की बात हो रही है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ई फॉर एस्केप देन इल्यूड वर्ड तब भी यूज होता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टू रिमेंबर देन ऑल्सो यू कैन यूज द वर्ड इल्यूड डन ओके So, अब होप आपको क्लियर हो गया है कि हम कब बात कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट इशारा या संकेत की तो अल्यूड होगा जब हम बात कर रहे होंगे बच निकलने की या कुछ जो बहुत मुश्किल है समझना या याद रखना तब आप यूज करेंगे वर्ड एल्यूड नाउ लेट्स जस्ट सीधी एग्जांपल्स सबसे पहला सेंटेंस है गायक अपने नए गीत में अपने नवीनतम असफल प्रोजेक्ट की ओर संकेत करेगा यानी जो गायक है जो सिंगर है वो अपने नए गीत में अपने न्यू सॉन्ग में अपने नवीनतम जो अभी लेटेस्ट असफल यानी फेल्ड है ना डिड नॉट वॉज अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट की ओर उस तरफ क्या करेगा संकेत करेगा संकेत मतलब इन डायरेक्ट इशारा करना है यानी अल्यूड करेगा सो हाउ यू विल ट्रांसलेटेड द सिंगर विल अल्यूड टू हिस्स लेटेस्ट फेल्ड प्रोजेक्ट इन हिज न्यू सॉन्ग परफेक्ट है ना तो सबको पता चल जाता है ना बहुत जल्दी बातें फैलती है कि उसका नया गाना होने वाला है और उस नए गाने में वो अपना भी उसका फे, ल, फेल हो गया ना प्रोजेक्ट बड़ा पैसा लगा था और फेल हो गया उस पर उसने एक नया गाना बनाया उसके बारे में वो इन बात करेगा नॉट डायरेक्ट सो so, यहाँ हमको क्योंकि पता है संकेत की बात की गई है सो so, ऑब्वियसली आप वर्ड अल्यूड यूज करोगे ना कि इल्यूड सेकेंड इज मेरे अनुभव में यह शब्द किसी और परिभाषा से परे है परे मतलब दूर दूर तक समझ नहीं आ रहा क्या है है ना तो मेरे अनुभव में मतलब इन माय एक्सपीरियंस यह शब्द मतलब दिस वर्ड किसी और परिभाषा एनी अदर डेफिनेशन या एनी अदर मीनिंग से परे है यानी इूट है ना बिकॉज समझ नहीं आ रहा इट्स रहांबल टू अंडरस्टैंड सो इन माई कोई भी और ज्यादा डेफिनेशन मिलेगी तो उस वो बिल्कुल परे है मतलब समझ के परे ऐसा भी बोल सकते हो सो so, आप यहाँ पे वर्ड इल्यूड तो सीख ही रहे हो साथ ही साथ आई होप आपको फर्दर और फार्दर वाला भी मीनिंग पता हो जिसपे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है वट इज द डिफरेंस बिटवीन फारदर एफ ए आर टी एच ई आर इज द डिफरेंस बिटवीन फर्दर एफ यू आर टी एच ई आर तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए सुधार आपको और ज्यादा क्लियर हो कि यहाँ पे फर्दर से यूज हुआ है कि नहीं नेक्स्ट इज रोहन अपनी दौलत का हवाला देने के लिए हमेशा तैयार रहता है सो यू गेट वन मोर वर्ड हवाला ठीक है? है तो तो इशारा, संकेत, हवाला is all reference. तो ये भी क्या हो जाता है? Word, allude. So, रोहन हमेशा रेडी रहता है कि वो अपने जो पैसे हैं वेल्थ है जो पैसे वाला है वो उसका बार बार जिक्र करे उसका बार बार संकेत करे उसका बार बार इशारा दे अपनी बातों में सो यू विलूट डन ओके नेक्स्ट चोर पुलिस को चकमा देने में सफल रहा तो चोर पुलिस को चकमा देने में यानी बच निकलने में है ना तो यहां पर चकमा मीन एस्केप और यहां एस्केप के लिए वर्ड होगा इल्यूड सो द थीप वॉज एबल टू इल्यूड द पुलिस डन ओके क्या उन्होंने मॉनिटर होने की अपनी आशा की ओर इशारा किया मॉनिटर बनना है उसको क्लास का मॉनिटर ठीक है और उसकी आशा है होप है उसकी इच्छा है विश है उसकी तरफ इशारा यानी इनडायरेक्टली क्या उसने इस बारे में बोला तो इनडायरेक्ट इशारा इज वॉट इट इज अल्यूड सो डिड ही अल्यूड टू हिज होप ऑफ बींग मॉनिटर क्या उसने इनडायरेक्टली ये बताया कि वो होपफुल है कि वो मॉनिटर बनना चाहता है डन सो so, इस तरीके से आई होप आपको समझ आ गया जब आप इनडायरेक्ट इशारे की या संकेत की बात कर रहे हो गो फॉर वर्ड अलियूड जब आप बात कर रहे हैं एस्केप की बच निकलने की चकमा देने की देन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड एल्यूड जब आप बात कर रहे हो समथिंग विच इज डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड देन अंडरस्टैंडो यू कैन गो फॉर द वर्ड एल्यूड डन ओके चलिए अभी कितना समझ आया है ये हम अपनी फेवरेट एक्सरसाइज से समझेंगे दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या यहां अल्यूड वुड बी द बेस्ट वॉट टू कीप इन प्लान और इलियूड इज गोइंग टू डू द जॉब सबसे पहला क्वेश्चन डिड योर फ्रेंड ब्लैंक to his vacation plans when he was talking to you? So, तो जो तुम्हारा दोस्त है जब वो तुमसे बात कर रहा था he was talking to you, क्या उसने did he blank to his vacation plan? उसने अपनी vacation plan की तरफ बच निकला नहीं difficult था समझ नहीं पाया डिफिकल्ट था नहीं डिफिकल्ट नहीं समझ नहीं पाया डिफिकल्ट था या फिर इनडायरेक्टली इशारा कर रहा था सो डिड योर फ्रेंड अल्यूड टू हिज वेकेशन प्लान अच्छा लग रहा है ना क्या तुम्हारे फ्रेंड ने इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया या बात की क्या कि उसका वेकेशन का कोई प्लान है या डिड योर फ्रेंड एल्यूड टू हिज वेकेशन प्लान एल्यूड बच निकला अपने वेकेशन प्लान से अपने वेकेशन प्लान से कोई क्यों बच निकलेगा है नो so, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलीवुड क्या तुम्हारे दोस्त ने इंडायरेक्टली बात की या इशारा दिया अपने वेकेशन प्लान से रिलेटेड खुद की बातों में जब तुम लोग बात कर रहे थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रॉबर्स मैनेज रॉबर्स थे जिन्होंने चोरी की थी रॉबिंग की थी मैनेज टू ब्लैंक द कॉप्स फॉर सेवरल मंथ्स बहुत महीनों तक वो कॉप्स या पुलिस ऑफिसर्स को चकमा देने में कामयाब रहे राइट यही बोलना चाह रहे हो कि वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं ऑफिसर्स को इनडायरेक्टली ऑफिसर्स को फॉर सेवरल मंथ मैनेज टू वॉट इफ यू हैव गॉट समथिंग तो हम बोलते हैं इंड रेफरेंस का बट कुछ बात ही नहीं है, है ना सो दिस इज टॉकिंग अबाउट चकमा देना भाग निकलना टू एस्केप सो द रॉबर्स मैनेज टू इली

अल्यूड टू दैम इन स्पीच या अल्यूड टू इट भी बोल सकते हो अगर यहां प्रॉब्लम होता तो दे होगा अगर प्रॉब्लम है तो इट करो अल्यूड टू इट इन हिस्स स्पीच द प्रॉब ही हैड क्लियर ओके नेक्स्ट वन इज आफ्टर ऑल दीज ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन द सोल्यूशन कंटिन्यूज टू ब्लैंक हर भाई इतने सालों तक जो एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं वो तो ठीक है बट उसके बाद जो सोल्यूशन निकला है ना वो क्या है इट इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ये बोलना चाह रहे होंगे है ना सो द सोल्यूशन कंटिन्यूज टू इल्यूड हर क्लियर यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो डिफिकल्टी हो रही है उसके लिए टू अंडरस्टैंड इट और टू रिमेंबर इट भले इतने टाइम तक उसने एक्सपेरिमेंटेशन किया बट जो सोल्यूशन है उसको याद नहीं रह रहा है सो so, आंसर क्या हो जाएगा वर्ड इल्यूट डन ओके नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्लैंक टू देयर प्रॉफिट इन बजट रिव्यूज तो भाई जो बजट का रिव्यू वगैरह हुआ उनका कि इतना बजट है एंड स्टफ लाइक दैट उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देख रहे हैं उन्होंने प्रॉफिट के बारे में इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया है अल्यूड या इल्यूड या इल्यूड टू देयर प्रॉफिट द एडमिनिस्ट्रेटर्स इल्यूड टू देयर प्रॉफिट इन बजट रिव्यूज एडमिनिस्ट्रेटर बजट रिव्यू कर रहे हो तो रिमेंबर टू डिफिकल्ट टू रिमेंबर नहीं हो सकता है ना बट ठीक है आपको अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं आप वो भी यूज कर सकते हो सो यहां पर अल्यूड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर दोनों में यूज करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इनडायरेक्टली अपने प्रॉफिट के बारे में बताया इन द बजट रिव्यूज और अगर आप इल्यूड भी यूज करना चाहते हो देयर इज नो इशू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट बट अगर एक को चूज

तो नहीं आ रहा है मतलब इल्यूड है ना ना कि अल्यूड सो आंसर क्या हो जाएगा सम आंसर जस्ट इल्यूड द रीजन एंड लॉजिक डन ओके

कीजिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी सेक्शन इंग्लिश के वो डिस्प्ले होंगे नॉ इट्स योर चॉइस आप कौन सा सेक्शन पढ़ना चाहते हो सपोज आप क्लास टेन सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स की जो बुक्स हैं लिटरेचर की द वेरी फर्स्ट बुक दर इज फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड वो पढ़ना चाहते हो वॉट यू विल डू इज आप क्लिक करोगे फर्स्ट फ्लाइट पर आपके पास सारे चैप्टर्स आ जाएंगे क्लिक ऑन अ लेटर टू गॉड आपके सामने टू गॉड का वीडियो एक्सप्लेन बिगेट हो जाएगा एंड यू कैन स्टडी फ्राम इट सो नाउ यू स्टार्टी फ्राम इट मेक यू नो अंडरस्टैंड वो कैव एंड डिफिकल्ट वर्ड वंस यू आर डन विद दिस अगर आपको लगता है आपको सेम चैप्टर का या और कोई चैप्टर पढ़ना है सेम सब्जेक्ट का क्लिक ऑन द कॉस आई कॉन यू हैव द सिमिलर सेक्शन मैंट द सेक्शन सेलेक्ट द टॉपिक एंड यूल दिन ट्वेंटी फ्यूव अदरवाइज अगर आप सब्जेक्ट या क्लास चेंज करना चाहते हो जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन यू फॉलो द सेम स्टेप्स एंड यू गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू सो दिस इज हाउ इजी इट इज जस्ट विजिट द वेबसाइट एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व क्लियर ओके So, with this, we have come to an end of the discussion of the topic. What's the difference between allude and elude? I hope you understood both the words. And if it's a yes, then definitely give a big fat thumbs up to the video. Also, share the video with as many friends as you can. Taki words may confusion. Ho ya unko pata ho, so they know these two words also exist. Also, share about magnet brains with as many students as you can. Taki can ko free education. Mil and yes, if you don't want to miss any update from our channel, definitely subscribe to Magnet Brains. So, with this, don't forget to like, share, and subscribe. And yes, we have come to the end of this particular video, but in the next one, we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.